सोनम नामक कक्षा सातवीं की छात्रा हूँ। विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय शेरगांव की विद्यार्थी हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी जगत के महान प्रतिभाशील लेखक का जीवन परिचय प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिनका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। उनका जीवन बड़े ही मार्मिक एवं संवेदनाओं से भरे हुए थे। उनका जन्म सन 1897 ईस्वी में बंगाल के महिषदल राज्य में हुआ था। उनके पिता उत्तर प्रदेश के गढ़कोला ग्राम के निवासी थे, किंतु आजीविका के लिए बंगाल चले गए थे। 2.5 वर्ष की आयु में उन्हें माता की गोद से वंचित होना पड़ा और उनके पालन पोषण का भार उनके पिता के कंधे पर आ पड़ा। निराला की प्रारंभिक शिक्षा महिषदल में हुई। संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का अध्ययन उन्होंने घर पर ही किया। 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह मनोहरा देवी के साथ संपन्न हुआ। वे साहित्य और संगीत में रुचि रखती थी। उनकी प्रेरणा से ही निराला जी लेखन में प्रवृत्त हुए। 22 वर्ष की उम्र में निराला जी की पत्नी का निधन हो गया, जिससे वे अति खिन्न हुए। महिषदल की नौकरी छोड़कर उन्होंने समन्वय और मतवाला पत्रिका संपादन किया। निराला जी गरीबी एवं कष्टों में पिस पिस कर विक्षिप्त हो गए तथा सन 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में उनका निधन हो गया। निराला जी बहुखी प्रतिभा वाले साहित्यकारी थे। कविता के अतिरिक्त उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, आलोचन और स्मरण भी लिखे हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं: परिमल, गीतिका, अनिमिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, नए पत्ते आदि। निराला जी की 2 शैलियाँ स्पष्ट हैं, एक उत्कृष्ट छायावादी गीतों में प्रयुक्त लंबी सस्मत पदावली युक्त तत्सम और तद्भव शब्दों एवं विचारों से ओतप्रोत है। उनकी दूसरी शैली सरल, प्रभावपूर्ण, व्ययपूर्ण और चुटकुली है। भाषा पर निराला जी का पूर्ण अधिकार था। उन्होंने परिमार्जित साहित्यिक खरी बोली में रचनाएं की हैं। इसी के साथ मैं अपनी वक्तव्य समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।